अस्सलाम वालेकुम। आज जो टेस्ट हुआ है उसका कोड डी, उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग लेके चलते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो कि यूज़ होती हैं किसके अगेंस्ट, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास डी है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें कौन सा हार्मोन इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म में, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यूराइन को न्यूट्रलाइज कौन करता है, तो ए ऑप्शन कॉपर्स ग्लैंड, जिसे हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो कॉर्पस लूटियम कहाँ से बनता है, ग्रेफियन फॉलिकल से। आउटर मोस्ट लेयर क्या है, पेरीमीट्रियम है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डैश स्प्रेड तो सेक्सुअल कंटेक्ट, तो गनोरिया की डिजीज सेक्सुअल कंटेक्ट से जाती है। और कौन होते हैं लैकुना ऑफ द बोन्स में, तो ऑस्टियोसाइट्स का करेक्ट ऑप्शन है। फिर इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें कि डैश राउंड द मसल्स ऑफ फाइबर सेल्स, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ गया सारकोप्लाज्म। लीमा लिखना चाह रहे थे लेकिन प्लाज्म हो गया। व्हाट हैपन टू द कैल्शियम एंड स्केलेटल मसल्स रिकवर फ्रॉम द कंट्रेक्शन, ऑप्शन सी पम्प इन टू द सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स हैव द एंटीबॉडीज ए एंड एंटीबॉडी बी, ओ ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो 11 का करेक्ट ऑप्शन आपके पास बी है, होमोलोगस एक्सचेंज करते हैं क्रॉसिंग ओवर के दौरान। और फिर हम आगे अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ लेके चलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन आ गया था जेनेटिक मेकअप, ये आपके पास क्या होता है, दैट हैज़ बिन ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू योर हेयर कलर मेकअप्स योर जीनोटाइप्स, यहाँ पर करेक्ट है। कार्निवोरस प्लांट्स, बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं नाइट्राइट्स, लेकिन ये आपके पास पता है कि ये किसको सप्लीमेंट कर रहे हैं, वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स के साथ असिस्ट कर रहे होते हैं। तो नाइट्राइट्स और कार्बोहाइड्रेट्स में कन्फ्लिक्ट है, अब वो की पे डिपेंड है। मैं नाइट्राइट्स को भी और कार्बोहाइड्रेट्स को दोनों को कंसिडर करता हूँ, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी एम्बिग्विटी वाली है। अगर नाइट्रेट्स है तो नाइट्रेट्स मोस्ट प्रॉबेबली, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की के सप्लीमेंट कर रहे हैं उसको, ठीक है, उसको हेल्प आउट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। वो खुद बनाते हैं और उसकी जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है वो सप्लीमेंट हो रही है। कार्बोहाइड्रेट एंड नाइट्राइट्स जो बेहतर लगता है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बाद में। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं फीमेल्स ऑफस्प्रिंग ऑफ द फादर अफेक्टेड वाला, आपके पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए है। और मालपिजियन ट्यूब्यूल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, वो ग्रास होपर्स में मौजूद होती हैं। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि शार्क्स कहाँ से बिलोंग करती है, तो आपके पास कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। फिर कैनाल सिस्टम पोरिफेरा के अंदर होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल्स जो है वो आपके पास ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। फिर उसके बाद किसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए है, सॉरी बी पे लग गया, ए है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कौन सी फर्मेंटेशन होती है, तो मैक्सिमम यहाँ पर लैक्टिक एसिड कह रहे हैं, बट यहाँ यू हैव टू गो विद द, अगर हम लोग बात करते हैं लैक्टिक एसिड मसल्स में भी हो रही होती है। और लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन के साथ अगर हम लोग अल्कोहलिक को यहाँ पे रखें तो वो कंपैरेटिवली बेटर है यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होती है वो ज़्यादातर माइक्रोब्स कैरी आउट करते हैं, इलेक्ट्रिक जो है वो ज़्यादातर बॉडी के अंदर होती है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं क्रोमोसोम इज टिपिकली मेड ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पर डीएनए है एंड प्रोटीन्स है। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, अच्छा जी, विच साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल कैन मेक देयर ऑन प्रोटीन्स, तो यहाँ पे आप सबको मालूम है नहीं, सर टू मेक देयर ऑन प्रोटीन्स, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव मास मूवमेंट, यहाँ पे साइक्लोसिस करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद कौन कंट्रोल करता है जी बॉडी के सेंस कंट्रोलिंग को, तो सेरिब्लम करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, तो बी एड्रेनलिन को तोड़ा जाता है। मोस्ट जो है वो आपके पास मल्टीपोलर्स हैं। फिर आपने बात करते हैं एंजाइम क्या करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। लेमार्किज्म का कंसेप्ट इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स पर मुश्तमिल है, लेग्स बोन, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास डी है यहाँ पे। और आपने नेक्स्ट आपके पास देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक लाइनिंग वाली करेक्ट ऑप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिक इज द एक्टिवेशन ऑफ, तो आपके पास इंटरफेरॉन्स जो होते हैं टाइप वन वो ट्रिगर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है वो करेक्ट है। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं मेरे बच्चों, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया एंडोस्पोर, तो ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं वो एंडोस्पोर्स बना रहे होते हैं, सॉरी यहाँ पे फिंगर ग्राम पॉजिटिव बना रहे होते हैं, सॉरी यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव है। फिर उसके बाद कहते हैं ह्यूमलिन बनाने में आपके पास कौन इस्तेमाल होता है, तो आपके पास बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद है कौन आपके पास स्मूथ मसल से रिलेट नहीं करता, तो स्टेरिएशन वाली कहानी। फिर उसके बाद ट्रेड करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं एडिशन ऑफ सॉल्ट की वजह से, तो क्या होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है वो रेज होता है। फिर आपके पास ट्रू नहीं है वायरसेस के बारे में, वो ये है कि वो अपने आप से रिप्लीकेट नहीं कर सकते, उन्हें होस्ट चाहिए। तो जेनेटिक कोड ऑफ द जेनेटिक कोड आपके पास फ्लू वायरस की बात यहाँ पर करें, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, सॉरी 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 ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद वायरसेस को हम वायरसेस क्या नहीं कर सकते बच्चे हो, तो वायरसेस एक्सक्रीट नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपके पास कहाँ पे मौजूद होता है, तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है जी इनसाइड द कैप्सिड की बात करना चाह रहे हैं,
और आपके पास कम्बिनेशन की बात अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। फिर उसके बाद आ गई है ऑप्टिमम पीएच फॉर लाइपेज, यहाँ पे 8 करेक्ट ऑप्शन है। शुगर केन के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके पास मौजूद होना चाहिए, सुक्रोज प्रेजेंट होती है। फिर आगे जाते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सब्सटीट्यूशन की वजह से होती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इनकरेक्ट जो है ग्लोबुलर प्रोटीन की बात, हेयर्स के अंदर वाली बात जो है इनकरेक्ट है। ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल इज कॉल्ड, हमारे पास वैक्सीज आती हैं जिनके अंदर नहीं होते, वो स्टीराइड्स हैं। फिर उसके पेप्टिडोग्लाइकन किसके अंदर स्पेसिफिक है तो आपको मालूम होना, सिंपल बैक्टीरिया की बात हो रही है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें वेयर स्पिंडल फाइबर्स आर एट ए सेंट्रोमियर की बात करें, उसके बाद ऑर्गेनली टुवर्ड द स्टीराइड प्रोडक्शन टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है। लाइसोसोम यूकेरियोट्स के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफरेंशियल परमेबल जो होती है लिपिड्स की वजह से होती है। और द यहाँ पे प्रोटीन्स अगर देखें तो वो भी करेक्शन की तरफ आ रहा है, अगर स्पेसिफाई कर देते तो ये ज़्यादा बेहतर होता। तो हम कह सकते हैं नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, आपके पास ऑप्शन है कि कंट्रोल बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, थॉट्स एंड इमोशंस की बात है। मोटर न्यूरॉन क्या करती है, इंपल्सिस को लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स की तरफ जाती है। डिफ्यूजन ऑफ, यहाँ पे सारे गलत कर रहे हो, यहाँ पे सोडियम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे सोडियम करेक्ट ऑप्शन है। मैंने देखा एक दो कीज़ में कोशिश करें, रिफ्लेक्स एक्शन में कौन इन्वॉल्व नहीं होता, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। और उसके बाद एंजाइम्स क्या करते हैं, दूसरे के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, कैटलेज 7 पीएच पे अच्छे से काम करता है। फिर एंजाइम एंजाइमेटिक एक्टिविटी, सॉरी एंजाइमेटिक एक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें, वो अगर हैवी मेटल्स का इस्तेमाल करें, कम्पिटेटिव इनहिबिटर जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं ये कन्वर्जन एवोल्यूशन की बात हो रही है, आगे उसके बाद आल वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है, फिर माइलेज की बात हो रही है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कौन है, तो आपके पास गैस्ट्रिक जूस को, आपके पास गैस्ट्रिन इन्वॉल्व होता है। और उसके बाद इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज जो हैं वो आपके पास क्या करते हैं, लीकेज करने में हेल्प करते हैं। और ब्रैडिकेनिन क्या करता है, उसके बाद विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ के साथ बात करते हैं। और वो बैक्टीरिया जो लॉस करता है, तो अगर हम लोग बात करते हैं बेटा तो ये मैक्सिमम जो है वो आपके पास ए ट्राइकस है। बच्चों आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको जल्दी जल्दी ये बायोलॉजी से रिलेवेंट की प्रोवाइड की जाए, एक दो एमसीक्यूज़ में एम्बिग्यूटी हो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम वेरी मच श्योर कि मेरे जितने बच्चों ने एमएम एकेडमी हफ्टेबाद से ये पढ़ा है, मैक्सिमम एमसीक्यूज़ वी हैव डिस्कस हेयर इन एमएम एकेडमी हफ्टेबाद। सो अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, आई होप सो। और मैक्सिमम का रिस्पॉन्स ये है कि सर बड़ा अच्छा आप लोगों का रिजल्ट आया, थैंक्स, अस्सलाम वालेकुम।